नायक नहीं खलनायक है तू। ये गाने के बोल गोरखपुर की घटना पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों। यूपी के गोरखपुर में सर्राफा व्यापारी से 35 लाख रुपए की सोने चांदी और नकदी की लूट करने वाले 3 वर्दी वालों समेत कुल 6 बदमाशों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों में से 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी हैं। बस्ती में तैनात दारोगा और 2 सिपाहियों ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। इसके पहले भी इस गैंग ने ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हुए बस्ती से गोरखपुर आकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के आला अधिकारी इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं कैंट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें कि कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के द्वारा इसको कारित करना बताया जा रहा था। इसी में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, एक धर्मेंद्र यादव, एक महेंद्र यादव और संतोष यादव। धर्मेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल है। गोरखपुर पुलिस के द्वारा इनका नाम प्रकाश में आया गया था, जिनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके इनके पास से सारा सामान बरामद किया गया था। इन लोगों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा हमारे द्वारा इन तीनों जो कार्मिक है इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना स्तर पर सुपरवाइजरी लेवल पर जो लापरवाही बरती गई है उसमें थाना प्रभारी और हेड मोरर, कांस्टेबल मोरर और जो ड्यूटी मुंशी है इनको भी निलंबित किया गया है। साथ ही साथ में जो 2 कांस्टेबल थे, महेंद्र यादव और संतोष यादव, इनके साथ में जो सहकर्मी ड्यूटी पर थे और उनको जब ये अनुपस्थित रहे अपने ड्यूटी से, उस समय इनका दायित्व था कि थाना प्रभारी को बताते या क्षेत्राधिकारी को बताते, इन लोगों ने भी नहीं बताया। तो इसमें एक जो QRT कमांडर है रामनगीना प्रसाद, उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों को और इसमें सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिला के इसमें 12 लोगों पे सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोग जिन्होंने आपराधिक कृत किया उनके खिलाफ और 9 लोग वो हैं जिनकी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरती गई और जिसकी वजह से इस तरह की जो एक शर्मनाक घटना पुलिसकर्मियों के द्वारा कारित की गई है, इसमें सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई करके इन लोगों को जो भी विभाग के अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके अंतर्गत इनको दंडित किया जाए। बता दें गोरखपुर के महाराजगंज में बीती 20 जनवरी को 2 सर्राफा व्यापारी जेवरात और कैश लेकर बस से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। इन्हें रास्ते में पुलिस की वर्दी पहने 3 लोगों ने छानबीन के नाम से बस से उतारा और ऑटो से अगवा कर ले गए। बाद में लूट कर फरार हो गए थे। न्यूज डेस्क।